ये देखिए बंदर बैठा है छत पे और ये बस बाप रे, तो क्या ख्याल है क्या नौकरी भैया? मैं पहुंच गया हूँ। अरे बुढ़ेबा, ये मिल गए हमारे भाभी जी। कुछ ही नहीं अर्चा तुम यहाँ ये मिल गई है भाभी। क्या करना चाहो? ये भैया चलो, ये वोटिंग कार्ड और ये भैया सुंदर, ये भैया बता और बता। ये जल गई भाई, कहाँ भी जल गई। तो ये भैया रजनी चले गई, तो मैं बैठा भैया एक भाभी जी और आज ये भैया पाशूल के यलनी यहाँ पर आगे लग गया भैया तड़का हुआ। बात नहीं है, वो जो हम थे पूरा मैं चाहूंगा तो साल आज के नहीं। फाइनली दोस्तों मैं अभी आ रहे हैं। दोस्तों प्यारी प्यारी धूप खिल गई है, मैं हूँ छत में और धूप इतनी अच्छी लग रही है जाड़ू के दिनों में ना, बहुत ही बेहतरीन लग रही है क्योंकि आजकल लगातार मौसम बढ़िया हो रखा है क्योंकि पहाड़ों में धूप खिली हुई है तो धूप से जो है ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, पर धूप आने से बहुत अच्छा लग रहा, बहुत ही आनंद आ रहा। और तो सुबह का टाइम है दोस्तों, प्यारी प्यारी धूप खिल गई, बहुत ही गजब का लग रहा है क्योंकि ठंड के दिन है तो धूप जब आ जाती है तो बहुत बढ़िया रहता है। जिस दिन मौसम खराब रहता है तो उस दिन बहुत ही ठंडा होता है, तो आजकल जो है मौसम खुला खुला है, धूप आई हुई है। चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरे प्यार भरा नमस्कार, मैं किशन बोरा, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल किशन बोरा ब्लॉग। देवभूमि देवभूमि के सुंदर गांव कोल तुलारी से मैं हूँ और आज हमको निकलना है। हो चुके सुबह, नई सुबह की नई। ये देखिए बंदर बैठा है छत पे और ये बंदरों ने ऐसा आतंक मचा रखा ना, तो लोगों का जीना हराम कर रखा भाई। बाप रे, तो बहुत बुता जगह कहाँ पे लुंचे लगा मंदिर भाई जी? क्या ख्याल है गोविंदा यार? हम गोविंदा ला सब काम करे और बताओ यार ठीक हो यार? क्या नौकरी भाई तेरे? चलो घुमाओ ठीक है, घूमने लो भाई। भैया मैं पहुंच गया हूँ बृद्ध बागेश्वर, ये भाभी जी आ गए अपने नाती को लेकर। कहाँ पहुंचो बोली भैया? तीरकुट। अच्छा घुमाए, घूमू जर से। चलो ठीक है, नाती को घूमना भाई का। अरे सीखे थे, अरे नाती को आ गई नींद आया। ओ नाती, क्या बृद्ध बागेश्वर में भाभी जी से होगी ये भेंट मुलाकात? क्यों ना है? ये मिल गए हमारे भाभी जी, और बताओ सब ये ले लेना था रंग में सुनो ला यार सुनो ला को देखो ये मन दावा जी तो पगाए प्लान हुआ करे है ताले वो खड़ा का गिना मीना सता लेके आ धोए हम होने दिए था। अरे सिटी मंदिर है जी को धर्म भाई और के सही बात आते जा कर ना राम आए जा कर ना सही बात के है लोगों ने खुद ही नहीं भोजन बटना खाली ए खबीर भी ये खर में बुआ धर्म में आखड़ी में जान बे ये कमर में पीड़े लगे बे ना। तुम क्यों जान सको? तुम नहीं जाओ ना, तुम भी ए फाट पर पी ले आई है ना ए खबीर। अच्छा बोलो तो ये खबीर पी ले ना
होगा। और बताओ राम राम हो, कहाँ पर है दौड़ के लूटता आज माल टाल बहुत। अच्छा आज बहुत सुनो साग सब्जी ना। अच्छा नीर से फोन पहुंच गई ना करने क्यों पहुंच और के ना अर्चिया तुम वहाँ। अच्छा करो मैं कहा करनी वो ना खानी वो तीर इतर बाप बड़ा शाख है और मेरे धाम को देखा है ये मिल गई है भाभी जी यहाँ पर ही आ रही है मार्केट से सामान वामान खरीद के आ रही है और कह रही है मेथी नहीं दिया करके और के लुंचा मैं हो। चलो ठीक छो ठीक छो और दुए पहुंच गई फोन हो दिनों को हर बार कहाँ भैया तुम्हारे रत ने पत्त भाव है। अच्छा चलो ठीक है लगा लो चेने भाई बा चंदा का जीन नहीं आए भाई। अच्छा हो अब आई जन आज वो भाभी जी आ गई ग्वाड़ से भैंस को घास आज देके और अब बनेगा चाय चाय पीते हैं अब। ये भैया वृद्ध भाभी सर पहुंच गए सरली के घर पर है भाभी जी भी मिल गए। सरली भी इसके कमर में दर्द हो गया काम बहुत ज्यादा करते हैं ये और लकड़ी ढोल ले इनको 15 दिन हो गए लकड़ी ढोलते ढोलते। और भाई लगाड़ चैन भाई के कहता चोरी करनी ना के सुखी लगाड़ तो चैन भाई हमको नहीं भैया क्या हम उसी जगह करनी। और बताओ की हाल चाल हाल साल तुम्हारा चैन बड़ा फोन लगा तो उठाए नहीं नंबर किसी का नाम है ना ना। चलो ये आ गए हैं पेपर और इसका नाम इसके मायके से कट के आ गया है। अब ये यहाँ पंचायत सेक्रेटरी के यहाँ ऑनलाइन ज्वाइन करना है। करुण पर करुण स्टेट बैंक के फिर खोल वोटिंग कार्ड और भी धर दिया और फोन में फोन ले दिया बोल ये भैया सुंदर का घर और ये सुंदर की है रसोई। ये वाली रसोई ओरिजिनल रसोई होती है हमारी और इसके अंदर बहुत गर्म होता है फर्स्ट क्लास और खाना भी इसमें बनता है। ये भैंस के लिए यहाँ पर हो रहा है घास तैयार हो रही क्योंकि भैंस को जाना है अभी दूध निकालने के लिए। भैंस दूध देगी फिर दूध का गोटमोट छा पियेंगे और फिर भैंस नहीं सोना आज भैंस वाला पत्त जुए और मैंने आज तब नहीं सोना है हरी घास जो ना हरी घास ओ दोस्तों भैया ये मिला वो कामली जान जरूरी थी। और यहाँ मिलेंगे आपको बहुत सारे जो है लूटे घास के ये देखिए ये है गाय भैंसों के लिए क्योंकि अब ऑफ सीजन हो ये भी कम हो जाते हैं। ऑफ सीजन में जब घास नहीं होती है तो इसको हरी घास के साथ मिक्स करके ये लूटे से निकाल के एक एक कुआ और हरी घास मिला के दी जाती है। ये देखिए क्या हो बता क्या हो कुछ नाको ठीक नौ बजे भाई के ना अरे जो बड़ा रशी को देखो कॉल और क्यों वीडियो अरे
ये जा रही है भैया दूध निकालने के लिए भैंस का। ये देखो हरी घास भी ले जा रही है। ऐसे 5 किलो, हाँ 5 किलो दूध निकाल के लाएगी अभी। ये है बाल्टी, अभी दूध ये भर के आएगा। एक गिलास भी किसने का कुतल खा के क्या काम छो हजार और ठूल काम भजन। तीन तो भैंसी रखी है इसने, अब तीन भैंसों का दूध लगा लो कितना होता है। एक बैल है, एक बैल है, फिर एक बहू है, दो बेटे हैं, एक लड़की है। खाने वाले दो ही हैं ये घर में, खाने वाले दो ही हैं। और बता क्या करने से, तो काम हम करने से नहीं करने ही काम। ये जल गई भाई किचन में आग, नेहा के किचन में आग जल गई है और सोली चली गई भैंस से दूध निकालने के लिए। तो अभी आती है क्योंकि तीन भैंस है दूध देने वाले। हाँ अभी जल गई आग, देखो ये आग, ये आ गए हैं भैंस का दूध निकाल के आ गए हैं। अभी दूध गर्म होता है यहाँ पे और फिर दूध भी पियेंगे और चाय पीते हैं पहले। तो ये जल गई भैया आग, भाभी जी ने जला दी आग। चंदा नहीं आया, चंदा का है इंतजार। ये अंधेरा हो गया है, अंधेरा होने जा रहा है और ये आग आग जल गई। अब यहाँ पर होता है चाय का प्रोग्राम, उसके बाद इनका बनेगा सब्जी रोटी। भैया रजनी चले गई है और आग भी जल गई है। आज रजनी घर में नहीं है तो फीका फीका लग रहा है, नहीं तो अभी तक चाय बन के आ जाती गर्मा गर्म हाथ में। अब सर मेरे से सीनियर हैं, सयाने हैं, तो उनको कह नहीं सकता हूँ चाय लाओ करके, पर फिर भी किचन में घुस गए हैं ये। देखो अभी चाय आती है। ओ, मैं बैठा हूँ यहाँ चंदा के घर पर और चंदा का इंतजार है। चंदा अभी आए नहीं, चंदा भी गए हैं काम से, बहुत बिजी काम है उनका और अभी आएंगे थोड़ी देर में। है और भाभी जी चले गए हैं किचन में और वहाँ बन रही है चाय। ये देखिए गर्मा गर्म और आग जल गई है। बहुत जाड़ू के दिनों में आग जलती है ना तो बहुत ही आनंद आता है, आग को छोड़ने का मन नहीं करता क्योंकि ठंडी के दिन है आजकल। भैया एक भाभी जी हमारी बगल में है, ये देखिए, और ये फाड़ रही है छिलू फाड़ने से, छिलका फाड़ रही है, देख सकते हो आप। ये बहुत, ये शाम को जो है ना आग जलती है हमारी, जो ये छिलका होता है ना, ये फल के पेड़ का जो है एक छिलक होता है इसमें, इसमें लीसा लगा रहता है तो उसको घर लाके फाड़ते हैं और इसे आग जलाने का काम आता है। और आज ये हंस भी रही है क्योंकि यहाँ कट गई है सब्जी, भाभी जी काट रही है सब्जी। नतिनी बड़े खंड बड़े क्या बोल रहा हो, सब्जी बता। आलू बैगन की सब्जी। ये भैया पहाड़ी किचन, ये देखिए ये फसराज बन गई है सब्जी, झमाझम। ये सब्जी जो आग की लकड़ी में जो सब्जी बनती है ना बहुत ही टेस्टी होती है। ये देखिए ये भैया पहाड़ी किचन, पहाड़ी किचन और पहाड़ी है हम लोग और हमारा किचन है ये। और ये शाम का व्यू कितना सुंदर दिखाई देता है, जो नए गाँव दिख रहा है। ये स्कूल घर में जानो जब घर में वो पार झरना देखी नोल तब तो मैं तब भी उड़ा गई जो का भगवान को हाय तू धुनी बछाने ये प्राइमरी स्कूल दिन गया हूं। हो शिवो का जाओ सब ने जा तो हो मी घर में जाना ही तब बड़ा हो दा मी का ब्लॉग को जो खुन बाबा आ मी सुनो आ जो खुन जो खुन दा जे पर रे आ ई में दिख जाए यो आ दिख खाने में नहीं आगा टाइम नहीं भाई देखो जो खुन जो आ भूत मन के जोर बे बीजी उड़ो बोल ने जो कि तब जे मिल को उची नु ना पास को सही जे ई बाबू मिल को राम राम। हाय हम कब बजे तुम इंतजार करनी नहीं है आगे भैसा यार, कब से इंतजार कर रहे हैं कहा एक घंटा हुआ हमको यहाँ। हाँ चाय पिए, चाय पिए। यहाँ पर आ गए हैं मालिक साहब, ये दाजू का इंतजार था, दाजू पहुँच गए यहाँ पे हैं। हो अब आप तुम कहो, अब हम के निगुन हो। ये लग गया भैया तड़का, तेल तेल का तड़का है। अब तुम दी जान सॉर्ट आउट करिए, अब हम तीसरे अब क्या है फाली फालतू बोल ना, तो अब हिट में भी ज़्यादा देर ना। लेट है ये
मेदू हिजो बनाओ घूमू इनको गाड़ी में दौर उम्मीद हो नल को भैया तुम झूठ पकड़ी गई यार यार क्या होगा साथ ही है हम कहीं ना भेजा कहीं ना हो बात तुम जहाँ वो आप तुम दीजान ये गलत है बात नहीं है वही है वो तो जो हर चीज और वो तो कौन आजी हिनु जो हिनु आ रहा जी वहाँ हूँ है बहुत हो गए मज़बूर ऐसी कैसी अब मुझे नहीं देना लोगों ये वाला ही हूँ अच्छा भी पार्टी में क्या कल हाँ कल पार्टी में क्यों हाँ आज केनी अरेने मालूम है मन में आज केनी अरेने मालूम है तीन बजे किसी जाए नहीं बोली नहीं नहीं जान फिर फिर वही रात छह बजे अच्छा फिर तीन बजे कहाँ जाऊँ फिर रात होगा फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया हूं सिलंगतोली और ये आ रहे हैं भी डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं और रात हो गई है अभी बारात भी नहीं पहुंची कफरडुंगा वाली ये देखिए लाइटिंग हो गई है पूरी सिलंगतोली में डॉक्टर साहब भी यहाँ पहुंच गए हैं ये देखिए तो अब यहाँ पर जल रहा आग है जलाएंगे आग यहाँ पर आग जलेगी और हम जो है आग तापेंगे भैया फर्स्ट क्लास क्योंकि हो रही है सर्दी ठंड हो रही है ठंड में जब आग मिलती है तो बहुत ही बढ़िया लगता है बहुत फ्रेश लगता है दोस्तों जो भी मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंचे जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।